चावल की एक बड़ी खेप जो ईरान जानी थी वो जा नहीं पा रही। देखिए अहमदाबाद के तालुकों में सिंधी कॉमर्शियल मार्केट में रखा हुआ वो चावल है जो ईरान और इराक में एक्सपोर्ट होता था, अब इसका निर्यात नहीं हो पा रहा है। यार चावल सुनना अजी। यार ये अपना कितना माल आना बाकी है? अपना 100 का ऑर्डर दिया था, 50 आ गया, 50 बाकी। 50 बाकी है। कब कब तक आएगा कुछ मालूम है? एक दो दिन लगेगा। और अच्छा एक बात पूछूं क्या आपसे? हाँ बोलना। अपने गोड़ों में पहले से इतना माल रखा हुआ है तो फिर और क्यों मंगवाया? अभी बिजनेस है, जरूर बता दूँ तुझे। हाँ सैनी जी बोलिए। यार संजीव दुकान में जितना भी चावल था सब खत्म हो गया यार, एक दाना भी नहीं बचा है यार। कैसे भी करके मेरा माल भिजवा देना, 5 दिन से तुझे बोल रहा हूँ, बस तू मेरा ये काम कर दे मेरे भाई। सैनी जी गोदाम में बिल्कुल भी माल है नहीं, होता तो मैं ज़रूर भिजवाता। देखो आपको हफ्ता 10 दिन तो रुकना पड़ेगा, जैसे ही होगा मैं भिजवा दूँगा। देख लो अगर ज़्यादा जल्दी है तो कहीं और से कर लो आप। हाँ ठीक है संजीव जी। हाँ बोल। अपने गोडाउन में इतना चावल है कि 6 महीने तक खत्म नहीं होगा, तो आपने सैनी जी को मना क्यों कर दिया? तो यही तो वक्त है पैसा कमाने का। मतलब देख तू देख रहा है ना, अभी कोरोना की वजह से पूरा देश लॉकडाउन है और अभी संभावना है ये लॉकडाउन अगले कुछ महीनों तक और बढ़ने वाला है। और तू 10 दिन रुक, अपने जितना माल दिख रहा है ना सब दोगुने रेट में बिकेगा। संजीव जी आपको लगता है आप सही कर रहे हैं? इसमें गलत क्या है, ये बिजनेस है। वाह वाह संजीव जी, मतलब जहां लोग आज एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए हैं आपको सिर्फ कमाई, क्या करेंगे इतना, पूरी जिंदगी बड़ी है कमाने के लिए संजीव जी। और अगर जिंदगी नहीं रहेगी ना तो सब यहीं के यहीं धरा रह जाएगा। कहना क्या चाहता है भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ना करे ये बीमारी आपको भी। हाँ हरीश बोल। हेलो संजीव भाई, हॉस्पिटल आइए ना जल्दी, माँ की तबीयत बहुत ही बिगड़ रही है। डॉक्टर बोल रहे हैं आज ही ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर ने ऑपरेशन की फीस भी डबल कर दी है, 10 लाख रुपए बोल रहे हैं, आइए ना जल्दी। पहले तो वो 5 लाख रुपए बोल रहा था डॉक्टर, अभी 10 लाख क्यों? ठीक है जरा मैं करता हूँ, जरा डॉक्टर से बात रुक। यस डॉक्टर संजीव यार, सर वो आपने पहले 5 लाख रुपए बोले थे और अभी 10 लाख रुपए। हाँ संजीव जी आपको पता ही होगा कि आज हॉस्पिटल की हालत भी क्या है, हर तीसरा पेशेंट कोरोना का मरीज है। आज हम भी कुछ भी सामान खरीद रहे हैं तो हमें भी वो डबल रेट पर ही मिल रहा है, मेडिसिन से लेके घर के खाने पीने का सामान, हमारा हमारे स्टाफ का, सबको इस चीज़ से जूझना पड़ रहा है। अब आप व्यापारी लोग हर चीज़ महंगी करेंगे तो सबका क्या होगा? तू सैनी को फोन करके बोल दे कि माल आ गया है। ठीक है।